आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अल्फा की परास जिसके लिए बिंदु अल्फा कॉमा अल्फा वक्रों, ये वाला पहला वक्र है और ये दूसरा वक्र है, फिर परिबद्ध क्षेत्र के अंदर स्थित है। जो ये अल्फा बिंदु है अल्फा कॉमा, वो इन दोनों वक्र जो है आपके इन दोनों से घिरे हुए क्षेत्र के अंदर स्थित है। तो ये आपको बताना है, अल्फा की परास बतानी है। ये आपका पहला विकल्प है अल्फा की परास के लिए, ये दूसरा है, ये तीसरा विकल्प है और ये चौथा विकल्प है। ये मैंने बाई बराबर अंडर बनमास एक्स स्क्वायर का जो ये वाला आपका वक्र बनेगा, जो कि एक वृत्त का समीकरण होगा और जो का केंद्र होगा जीरो जीरो, त्रिज्या होगी एक, और ये वाला जो वक्र है ये एक लाइन रेखा होगी जिस जो कि इन दोनों बिंदुओं से होके जा रही होगी, जीरो कॉमा एक और वन कॉमा जीरो से होके जा रही होगी। तो आपका अल्फा जो बिंदु होगा अल्फा कॉमा अल्फा, वो इन दोनों से घिरे हुए इस वाले इसमें होगा, क्षेत्र में होगा, इन दोनों से घिरे हुए इस वाले क्षेत्र में होगा, ठीक है, येलो रीजन में। तो यानी कि इस ये जो अल्फा बिंदु होगा वो इस लाइन के वक्र में जब आप रखोगे तो वो क्या होगा, उससे बड़ा होना चाहिए। यानी कि जब आप रेखा, आपकी जो रेखा है ये वाला वक्र है माइनस का एक बराबर जीरो, इसमें जब आप अल्फा और अल्फा रखोगे तो ये क्या आना चाहिए, आपका जीरो से बड़ा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इससे बाहर है। तो टू अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा, टू अल्फा माइनस एक क्या हो गया ये, तो अल्फा क्या होगा एक बटे दो से बड़ा होगा, एक आपका परास ये मिल गया आपको अल्फा का मान। दूसरा क्या है, दूसरे के लिए देख लेते हैं। दूसरा जो वक्र है, दूसरे वक्र से क्या है ये यहाँ पे, इससे अंदर है, तो इसमें जब आप इस वाले वक्र में से अल्फा का मान रखोगे तो अल्फा माइनस अंडर रूट वन माइनस अल्फा की पावर दो होना जो होना चाहिए वो जीरो से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर है। तो जब आप इसको इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस का अल्फा की पावर दो। तो दोनों तरफ आप क्या कर दो, वर्ग कर दो जी, अल्फा की पावर दो जो हो जाएगा वन माइनस अल्फा की पावर दो, ये इधर अल्फा जाएगा तो टू अल्फा की पावर जो आ गया एक से छोटा आ गया, तो अल्फा की पावर जो आ गया वो एक बटा दो से छोटा आ गया अल्फा की दो। तो यहाँ से अल्फा का परास आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ से अल्फा का परास मिल गया माइनस का एक बटे रूट टू से बड़ा और एक बटे रूट टू से छोटा मिल गया आपको अल्फा का परास। अब ये पर ये वाला और ये वाला इन दोनों का क्या है कॉमन, इन दोनों से दोनों में कॉमन कौन सा परास होगा, वन बाई टू से बड़ा और वन बाई टू से बड़ा है, तो यानी कि आप में यहाँ पे वन बाई टू आ जाएगा, अल्फा वन बाई टू से बड़ा और ये वाला से छोटा, ये वाला आपका अल्फा का परास आ गया। तो आपका विकल्प कौन सही हो जाएगा, पहला विकल्प आपका इस तरीके से सही हो जाएगा। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।